बात पर गौर करो वरना पछताना पड़ेगा। आपको घर में इंद्राज करते हुए देखा था, क्या हो गया ऐसे जो आप जेल सलाखों के पीछे पहुंच गए? देखो ना, इस भरद्वाज परिवार ने हमारे खिलाफ ऐसी झूठी झूठी कहानी रचाई और हमें जेल में भेज दिया। हम तो बेचारे बुढ़ी दादी, क्या करेंगे हम? देखो ऐसा क्या राज है जो आप सिमर को बताना चाहती हैं? वो राज की बात है जो हम अभी नहीं बताएंगे, जब समय आएगा तो सिमर को बताएंगे, फिर पता चलेगा उनको। सिमर वैसे तो हमेशा सबका भला करती है, क्या आपको लग रहा है आपका भला भी करेगी? क्या पता, हम भी तो सबका भला चाहते हैं, हम भी तो अपने परिवार का भला चाहते हैं। अब देखो हमारे साथ कैसी उल्टी सीधी बातें हो रही है। क्या लग रहा है आपको, किसकी साजिश है इसके पीछे? पूरे आपके और जेल के पीछे पता नहीं किसकी साजिश है ये? सिमर और रोली की? नहीं नहीं, हमने रोली को मारने की कोशिश की और उस वजह से प्रेम भी हमारे खिलाफ हो गया, लेकिन हमें तो यही लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमारे पोते को अपनाने के लिए सब कर रहे हैं। बट व्हाट इज रॉन्ग इज रॉन्ग। तो क्या लगता है कितने दिनों तक आप सलाखों के पीछे रहेंगे? ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, निकल जाएंगे, राज है ना हमारे पास। आगे क्या नया, आप कुछ नया क्या प्लान कर रही हैं? कुछ तो करूँगी प्लान, पूरे फैमिली के खिलाफ, इतने सारे एक है और हम अकेले, तो कुछ तो बहुत बड़ा प्लान करना पड़ेगा। अभी बात की जाए गणपति की, तो आप कैसे मनाती हैं गणपति फेस्टिवल? काम करके। सब माना जाता है कि मोदक जो है गणपति भगवान को बहुत पसंद है, तो आपको जैसे स्पेशल प्रिपरेशन करती है? हाँ हाँ, हमारे मराठी घर में, हर घर में गणपति के दिन मोदक तो बनते ही हैं और मोदक गणपति का सबसे फेवरेट लड्डू है। गणपति जी के बहुत सारे गाने बने, आपको कोई फेवरेट जो दो लाइन आप बना सकते हैं? गजानना श्री गणराया आधी वंदो तुज मोरया, गजानना श्री गणराया आधी वंदो तुज मोरया। हाय, आई एम स्वाति चिटनिस, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी।